वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे प्रायिकता का भाग दो। तो देखो, प्रायिकता के भाग एक में हमने बात किया था प्रायिकता के कुछ कॉन्सेप्ट और सिक्के वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो सिक्के वाले क्वेश्चन को भी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, किसी सिक्के को 3 बार उछालो, ठीक है, या 3 सिक्के को अलग अलग उछालो, एक ही मतलब होता है। देखो, अथवा करके दिया है, ठीक है, अगर नहीं भी देता, अगर देखो मतलब दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी आपको देता, ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन वैसे ही होता, ठीक है। तो देखो, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 3 सिक्कों को 1 बार उछालना या 1 सिक्के को 3 बार उछालना कैसे होता है। जैसे कि पहला बोल रहा है 1 सिक्के को 3 बार उछालना, ठीक है, तो 1 सिक्का है, ठीक है, इसको 3 बार उछालना है, ठीक है, 3 बार उछाल रहे हैं। तो देखो, 3 बार उछालने पर 3 डिब्बा बनेगा, ठीक है, तो पहला उछाल में क्या है, एच या टी आएगा, दूसरा उछाल में एच या टी आएगा, तीसरा उछाल में भी एच या टी ऐसे तो आ सकता है, ठीक है। तो देखो इसका, देखो दो प्रकार से उछाल सकता है, दो प्रकार से उछाल सकता है, दो प्रकार से उछाल सकता है, टोटल कितना प्रकार होगा, ठीक है। हमने कर्मचा संचय में कर्मचय में बात किया था, तीनों का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो टोटल कितना है, 8 बार उछल जाएगा। वैसे ही अगर सिक्का 3 हो, ठीक है, लेकिन उछले 1 ही बार, ठीक है, कैसे होगा वो, देखो सिक्का 3 है, मतलब 1 2 3, ठीक है, 3 सिक्के हो गए, लेकिन उछलना उसको 1 ही बार है, ठीक है, 1 बार उछलेगा ये। तो देखो, 1 बार उछलेगा, दो प्रकार से उछल सकता है, एच या टी, ठीक है। वैसे दूसरा सिक्का है, ये भी दो प्रकार से उछल सकता है, एच या टी, ठीक है। जो तीसरा सिक्का है वो भी दो प्रकार से उछल सकता है, ठीक है, एच या टी। तो कितना प्रकार से होगा ये भी देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब ये भी आ गया 8, ठीक है। तो ये जो है आपका दोनों क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, दोनों क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब 1 सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, एक ही मतलब होता है, ठीक है। उसे अब कंफर्म हो गया चीज, अगर दोनों में से एक टर्म भी आएगा तो आपको यही, आपको मतलब ऐसे ही बनेगा, ठीक है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में अब आते हैं, क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, शीर्ष एवं पूछ एकांतर क्रम में आने की प्रायिकता, ठीक है। शीर्ष एवं पूछ एकांतर क्रम में आना मतलब देखो, 1 सिक्के को 3 बार उछाला जो भी है, ठीक है, तो ये कितने बार बढ़ रहा है आपका, 8 बार बढ़ रहा है, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 8 बार टोटल बन रहा है, ठीक है। तो 8 बार कैसे बनता है टोटल, मैं पिछले वीडियो में बताया था आपका। देखो, तीनों में या तो एच आ सकता है, ठीक है, तीनों में या तो क्या आ सकता है, टी आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है, देखो एच आ सकता है डबल टी, या एच टी एच, एच डबल टी हो गया, या टी एच टी, या TTH, ठीक है। उसके बाद देखो टी को ले लो, उसके बाद टी को ले लो, ऐसे कर लो, ठीक है, डबल एच टी, STH या THH, ठीक, ऐसे। अब देखो टोटल 8 बार आपको हो गया होगा, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 बार टोटल हो गया। यही 8 बार क्या है, इस टाइप का उछल सकता है, ठीक है, ये 8 बार इस टाइप का उछल सकता है। तो क्या बोल रहा है, देखो शीर्ष एवं पुच्छ एकांतर क्रम में आने की प्रायिकता, ठीक है, शीर्ष एवं पुच्छ। तो एकांतर क्रम का मतलब समझते हो, एकांतर, एकांतर मतलब होता है अल्टरनेट, एक के बाद एक, ठीक है। जैसे कि आपका एकांतर मतलब होता है क्या है, अल्टरनेट, एक के बाद एक, मतलब जैसे एक बार अगर एच आ गया तो दूसरे बार टी आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिर एच आना चाहिए, फिर उसके बाद टी आना चाहिए, फिर एच आना चाहिए, फिर टी आना चाहिए, होता है एकांतर क्रम, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद वही पहला, ठीक है, तो ऐसा एकांतर क्रम होता है। तो वैसे ही मतलब इस टाइप के क्रम में कितना टाइप का ये जमा हुआ है देखते हैं पहले, ठीक है। तो क्योंकि हम, प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है डीपी अपॉन डीपी, ठीक है, डीपी कितना हो गया, डीपी मतलब डिजायर पॉसिबिलिटी, टीपी मतलब टोटल पॉसिबिलिटी। देखो टोटल पॉसिबिलिटी तो अपनी 8 है, ठीक है, 8 है टोटल पॉसिबिलिटी, आपको डिजायर पूछा है, डिजायर मतलब आपको क्या पूछा है, डिजायर में मतलब ये एकांतर क्रम में आना, ठीक, कितना एक के बाद आ रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं। देखो किस कितना एक के बाद आ रहा है यहाँ पे, देखो ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि एक एक सिंगल सिंगल वाला है, ठीक है, एच और टी मिक्स होना चाहिए। अब देखो एच और टी में एच टी, देखो एच टी आया फिर टी आ गया, ठीक है, तो ये आपका नहीं हो सकता, उसके बाद फिर एच आना चाहिए था, ठीक है। अब देखो इसमें टी एच टी है, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो टी आ रहा है फिर एच आ रहा है फिर टी आ रहा है, ठीक है, तो ये एकांतर क्रम हो गया। अब देखो तीसरे इसमें टी टी एच में टी टी एच भी नहीं हो सकता, ठीक है, कंटिन्यू 2 बार देखो टी टी आ गया, ठीक है, इसमें कंटिन्यू 2 बार टी इसमें भी आ गया, ठीक है, कंटिन्यू ही नहीं आया, उसके बाद मतलब दूसरा आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद दूसरा आना चाहिए। देखो यहाँ पे एच एच टी ये भी नहीं हो सकता, ये एच टी एच ये हो सकता है, ठीक है, ये एच आ रहा है फिर टी आ रहा है फिर एच आ रहा है। अब देखो टी एच एच है, डबल एच आ गया एक साथ, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये क्या होगा। अब देखिए कितना राइट पड़ा है आपको, 1 2 राइट, ठीक है, 2 राइट,
मतलब डिजायर डीपी कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, डीपी कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो याद आएगा प्रायिकता आपका 1/4, तो 1/4 देखो बी आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाए, एक सॉरी 100 बार उछाला जाए, ठीक, एक सिक्के को 100 बार उछाला जाए तो विषम संख्या में पूछ छाने की प्रायिकता। देखो 100 बार उछालना मतलब कितना बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखो 100 बार उछालने का मतलब ये है आपका 100 डिब्बा बनेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे सिक्का उछालेंगे कितना बार, 100 बार। 100 बार मतलब देखो पहले बार में 2 रहेगा, 2 टाइप का, दूसरे बार में 2 टाइप का, तीसरे बार में, चौथे बार में, सब में दो 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 टाइप से घूमेगा। तो क्या है कि देखो 2 का गुणा कितने बार हो जाएगा, ये 2 का गुणा ये हो जाएगा 100 बार। ठीक है, 2 का गुणा 100 बार मतलब 2 की घात 100, 2 की घात 100, इतनी बड़ी संख्या इतने बार उछाला जाए। ठीक है, मतलब 100 बार उछाला जाए मतलब इतने टाइप से उछलेगा। ठीक है, इतने टाइप से आगे पीछे करके, ठीक है, टेल हेड टेल पड़ेगा, किसी में ऐसे पड़ेगा, देखो किसी में हेड पड़ रहा है, हेड पड़ रहा है, टेल पड़ रहा है, हेड पड़ रहा है, टेल पड़ रहा है, हेड पड़ रहा है, हेड पड़ रहा है, हेड पड़ रहा है, कुछ भी पड़ते जाएगा ऐसे 100 बार। ठीक है, तो आप इसको चित्र बना के तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन या लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन भी करोगे तो भी टफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टफ आता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को दिखाने के लिए टफ रहता। ठीक है, तो देखो टफ अगर किसी कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो एक तरीका हो सकता है कि उसको कठिन पूरा पूरा कैलकुलेशन करके सॉल्व किया जाए, और एक दूसरा तरीका है कि उसके छोटे रूप को पकड़ के, ठीक है, उसको सॉल्व किया जाए। तो देखो इसको छोटे रूप में पकड़ो, इसमें बोल क्या रहे, देखो विषम संख्या में पूछाने की प्रायिकता। ठीक है, विषम संख्या में पूछाने की प्रायिकता कहने का मतलब जैसे कि 100 बार में 99 बार कहीं 99 बार टी आ जा रहा है। ठीक है, कभी 99 बार आ जा रहा है, कभी 97 बार आ जा रहा है, कभी 95 बार आ जा रहा है। ठीक है, कभी 3 बार आ जा रहा है, कभी 6 बार, 3 बार या फिर 5 बार आ रहा है। ठीक है, मतलब विषम संख्या कोई भी पढ़ना चाहिए, कभी 1 बार आ रहा है, कोई भी विषम संख्या मतलब 1 से लेके 99 तक ही हो सकता है 100 में। ठीक है, 100 में विषम संख्या 1 से लेके 99 तक ही हो सकता है। तो देखो इस टाइप की संख्या कितने बार पड़ेगी, तो देखो हम तो इसमें निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो क्या करते हैं आप छोटा रूप पकड़ लो, मतलब 2 स्टार्टिंग क्या है, 2 पकड़ लो, सम संख्या। देखो ये क्या है आपका 100 बार मतलब क्या है, सम बार है। ठीक है, ये क्या है 100 बार मतलब सम बार है। ठीक है, सम बार, तो सम बार वाला लेके कोई भी पकड़ लो, जैसे 2 बार या 4 बार ये पकड़ लो। ठीक है, तो 2 बार लिख लो। ठीक है, 4 बार भी थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो 2 बार वाला भी देख सकते हो। ठीक है, 2 बार वाला सिक्के का, तो देखो 2 बार वाला देखोगे तो कैसे बनेगा, देखो 2 बार वाले में 2 बार उछलेगा सिक्का, कोई भी सिक्का 2 बार उछलेगा, तो किस कितने टाइप से उछाल सकता है आपका, कितने टाइप से उछाल सकता है, 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 4 बार उछाल सकता है। ठीक है, किसी 2 बार, ठीक है, मतलब किसी सिक्के को उछालेंगे, ठीक है, 2 बार उछालेंगे सिक्के को, तो 4 टाइप से उछाल सकता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको बना देता हूँ टाइप में, 4 टाइप का। ठीक है, 4 टाइप का मैं बना देता हूँ, क्या हो जाएगा देखो, जैसे कि इसमें अगर एच पड़ रहा है तो इसमें टी पड़ रहा है, ये दोनों में एच पड़ सकता है या दोनों में टी पड़ सकता है। ठीक है, या तो इसमें एच पड़ेगा तो टी पड़ेगा, या तो इसमें टी पड़ेगा तो एच पड़ेगा, ये 4 टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप से आपका सिक्का उछल सकता है। ठीक है, एक तो छोटा रूप दिखा रहा हूँ, ये बड़ा रूप को आप छोड़ दो। ठीक है, आपको बड़ा रूप को आप इधर का कहानी छोड़ दो, आप इधर की कहानी देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, विषम संख्या में पूछाने के प्राप्त। ठीक है, विषम संख्या देखो यहाँ पे विषम संख्या में पूछ कितना है, टैल कितना है विषम संख्या, देखो यहाँ पे तो टैल नहीं है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे टैल है लेकिन 2 बार आ रहा है। ठीक है, इसमें कितने बार है, 2 बार है, 2 बार टैल है मतलब ये विषम संख्या नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। ठीक है, अब देखो इसको, देखो इसको छोड़ दो, उसके बाद देखो इसमें, ये देखो टैल कितना बार है, 1 बार है, इसको ले लो, इसमें टैल कितना बार है, 1 बार है मतलब विषम संख्या में है, इसलिए इसको भी ले लो। ठीक है, तो कितने बार ले लिए अपन, 2 बार लिए, तो यहाँ पे प्रोसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता क्या हो जाएगी, डीपी अपॉन टीपी होता है, तो देखो डीपी अपॉन टीपी, तो यहाँ पे टीपी कितना है, देखो 4 बार टीपी है। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी, और डिजायर कितना है यहाँ पे, मतलब विषम संख्या, देखो राइट कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे डीपी कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ प्रायिकता आ गई 1/2। ठीक है, तो वैसे ही आप कोई भी उठा लो, 4 बार 8 बार जितना भी करके उछलवा दो सिक्का को, 4 बार उछालो चाहे 8 बार, आप जितना भी निकाल के देखोगे आपका प्रायिकता 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या आंसर लगाना है, सीधा देखो 1/2 इसमें होगा, ये सी, इसको आंसर लगा लो, इस टाइप से बना सकते हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन करते हैं।
देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 सिर से आने की प्रयोगता। तो देखो किसी को मतलब जैसे कठिन, आपको जैसे कठिन क्वेश्चन लग गया, ठीक है, तो क्या करते हैं अधिकतर लोग, क्या करते हैं तुक्का मारने के चक्कर में, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखो किस टाइप का दिख रहा है, 10 बार 6 बार, ठीक है, तो देख रहे हो 10 6 6, ठीक है, इस टाइप अजीब टाइप का लग रहा है नंबर, तो इसको कौन लेगा, तो क्या करते हैं 10 6 6, ठीक है, इसको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, 10 में 6 10 में 6 को चुनना है, बस ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे आंसर लगा के आ जाते हैं और गलत कर बैठते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपको जितना डीप में थोड़ा पढ़े रहोगे तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो ठीक सिर से 6 सिर से आना चाहिए, तो वो कितना है। देखो ठीक से, ठीक का मतलब होता है आप ऑनली, ठीक है, ऑनली 6 सिर, ठीक है, तो देखो 10 बार कितने टाइप से उछलेगा, 10 बार उछालेंगे सिक्का को, ये सिक्का है आपका, 10 बार उछालेंगे, ठीक है, 10 बार उछालने का मतलब, ठीक है, कितना डिब्बा बनेगा आपका, 10 डिब्बा बनेगा, ठीक है, तो 2 गुणा 2 करके बनेगा, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 करके, 2 गुणा 2 गुणा कर, कितना बार हो गया, 10 बार, ठीक है, 2 का गुणा करो 10 बार, या 2 की घात लिखो 10, एक ही मतलब है, ठीक है, 2 की घात लिखो 10, एक ही मतलब है, 2 की घात 10 लिखोगे, ठीक है, तो 2 की घात 10 कितना होता है, ठीक है, गुणा करते जाओ, 2 की 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32 दुनी 64 दुनी 500, कितना होगा, 64 दुनी 128, ऐसे करते करते जाओगे, ज्यादा कठिन नहीं है, 64 दुनी 128, जैसे कि आपको मेमोरी कार्ड होता है उसी के गुणे में तो जाता है, ठीक है, मेमोरी कार्ड जैसे करते हो 128 GB का आता है, ठीक है, 2 GB आएगा, ठीक है, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, ऐसे दो 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 के मल्टीपल में आता है, ठीक है, दो दो के मल्टीपल में आता है, 2 GB आता है, ठीक है, 2 GB आता है, 4 GB आता है, ठीक है, आपका 8 GB आता है, फिर 16 आता है, फिर 32 आता है, फिर 64 आता है, ठीक है, उसके बाद 512, ए 64 बोलो, 128 आता है, ठीक है, 128 आता है, उसके बाद क्या होता है, 256 आता है, इसका डबल, 256 का डबल कितना होगा, 512 आता है, ठीक है, 512 का डबल कितना होगा, 1024, ठीक है, तो 10 बार हो गया होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यही तो 2 की घात 10 है, ठीक है, यही तो क्या है, 2 की घात 10 है, ठीक है, 2 की घात 10, 1024 आ गया आपका, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1024, तो 1024 क्या है, ये क्या है आपका टोटल पॉसिबिलिटी, ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी 1024 है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, देखो पी बराबर डीपी अपॉन टीपी होता है, डीपी अपॉन टीपी, ठीक है, देखो टीपी कितना हो गया 1024, और डीपी कितना होगा, ठीक है, डीपी हमको निकालना है, डीपी, ये तो टीपी तो आसानी से निकाल जाता है, ठीक है, डीपी निकालना में है, ठीक है, डीपी मतलब डिजायर पॉसिबिलिटी, डिजायर क्या पूछा गया, देखो 6 सिर्स आने की प्रायिकता, ठीक है, 6 सिर्स, ओनली मतलब केवल 6 सिर्स, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए, ओनली का मतलब वही है, ठीक है, 6 सिर्स कैसे आएगा, तो कैसे देखो यहाँ पे 6 सिर्स मतलब 6 डिब्बा, ठीक है, 6 सिर्स मतलब 6 डिब्बा, आपके पास डिब्बे कितने हैं, 10 डिब्बे हैं, ठीक है, डिब्बे कितने हैं आपके पास, 10 डिब्बे हैं, ठीक है, उनमें से क्या करना है, 6 डिब्बों को क्या करना है आपको, 6 डिब्बों का क्या करना है आपको, चुनना है, ठीक है, 10 से 6 को क्या करना है, चुनना है, ठीक है, चुनना है 10 में से 6 को, चुनना है कितने बार से चुन सकते हो, तो वो मैं संचय में बताया, 10 में से 6 को चुनेंगे, 10 C6, ठीक है, 10 C6 लगा देंगे, 10 C6 कॉम्बिनेशन, ठीक है, 10 C6, जो इसको समझ नहीं आ रहा वो कॉम्बिनेशन वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कर्मचारी संचय का वीडियो बनाया था, चौथा वीडियो शायद इसी का संचय है, ठीक है, तो देखो 10 में से 6 को कैसे चुनेंगे, 10 10 में से 6 को चुनना मतलब 10 का 6 बार विस्तार, ठीक है, विस्तार मतलब घटते जाना, ठीक है, 10 से लेके 10 9 8 ऐसे करके, देखो 10 9 8 7 6 5, ठीक है, मतलब 6 बार विस्तार हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार विस्तार हो गया 10 का 6 बार, उसके बाद देखो नीचे वाले क्या करते हैं, नीचे वाले का पूरा विस्तार करते हैं, पूरा विस्तार मतलब एक तक का विस्तार, ठीक है, जैसे कि 6 5 4 3 2 1, पूरा विस्तार जब तक एक ना आ जाए तब तक को उसको क्या बोलते हैं, पूरा विस्तार करना, ठीक है, पूरा विस्तार मतलब एक तक का पूरा विस्तार, ठीक है, और ऊपर वाले का नीचे वाले तक का विस्तार मतलब 10 10 का 6 बार विस्तार, 10 से लेके 5 तक हुआ, ठीक है, अब देखो जो जो कटता है कटा लेते हैं, देखो यहाँ पे 5 5 कट गया, यहाँ पे देखो 6 कट रहा है, 6 कटा लेते हैं, और क्या क्या कट रहा है, देखो 3 से 9 कटेगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9, उसके बाद देखो 4 दुनी 8 कट रहा है, 4 दुनी 8 ये कट गया, तो कितना आ गया, देखो 7 है 3 है, ठीक है, 7 3 21 और 10 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 210, ठीक है, यहाँ पे आ गया 210, तो इसको लगा देंगे डीपी में, क्या लगा देंगे, यही हमारा क्या है, डीपी है, ठीक है, यही हमारा क्या है, डीपी है, तो डीपी में लगा देंगे इसको, ठीक है, तो 210, तो 210 लगा दिए, अब इसको कटा लेते हैं, ठीक है, इसको कटा लेते हैं,
देखो कटेगा कितने बार में कटेगा, 200, देखो 2 से कट जाएगा क्या है, 2 से, 2 से कितने बार में जाएगा, 512 बार में चले जाएगा। और 2 से कितने बार में जाएगा ये, 105 बार चलेगा, 105 दूनी 210 होता है, तो ये हो जाएगा देखो 105/512। देखो इस टाइप का आंसर आ रहा है क्या, तो देख सकते हो इसमें ये सी वाला आंसर है, ठीक है सी वाला आंसर, ठीक है तो यही आंसर होगा सी, ठीक है इसको मत लगा के आ जाना धोखे से। तो देखो अब क्या अगला क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछाला जाता है तो एक सिर से या दो सिर से आने की प्रायिकता, तो देखो इसको चित्र मेथड से बना सकते हो और आपका लॉजिकली बना सकते हो, 3 बार मतलब कोई आसान वो मतलब कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं पहले मैथ गणितीय मेथड से बता देता हूँ, ठीक है उसके बाद उससे बताऊंगा, ठीक है दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आपको हो सकता है चित्र बनाने में कई लोग को हो सकता है टाइम लग जाए, तो उससे अच्छा गणितीय मेथड भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। तो देखो गणितीय मेथड से देखते हैं, अब देखो 3 बार उछालना है एक सिक्के को, ठीक है इतना तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो कि एक सिक्के को 3 बार उछालना मतलब कितने बार ये उछाला जा सकता है, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, मतलब डिब्बा बनेगा 3, तो कितना हो जाएगा 8 बार, ठीक है ठीक है 8 टाइप से उछाल सकते हो, इतना तो एक्सपर्ट हो चुके हो, ठीक है पिछले वीडियो में बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसी टाइप का। अब क्या हो गया 8 बार हो गया, ठीक है अब क्या करना है आपको, एक सिर से या दो सिर से लेना है, ठीक है एक सिर से या दो सिर से का मतलब एक आना चाहिए दो आना चाहिए, ठीक है या तो 3 नहीं आना चाहिए या 0 नहीं आना चाहिए कहने का मतलब। तो देखो यहाँ पे आपको 8 डिब्बे में, ठीक है 8 8 डिब्बे में, सॉरी 8 तो यहाँ पे डिब्बा नहीं है, ठीक है 8 डिब्बा नहीं है, मतलब ये 8 क्या है आपका, मतलब 8 तो डिब्बा नहीं है ना, आपको डिब्बे में चुनना है ना, डिब्बे में चुनना है आपका कितना डिब्बा है, 3 डिब्बा है। अब 3 डिब्बा में कोई कोई जगह एच आ रहा है, कोई जगह पे ठीक दो दो जगह एच आ रहा है, ठीक है 3 जगह भी आ रहा है लेकिन उसको चुनना नहीं है। तो देखो 3 डिब्बा है आपके पास, देखो 3 डिब्बा, तो देखो आपको एक एच और ये 2 एच, ठीक है तो एक एच चुनना मतलब 3C1, ठीक है 3C1 टाइप से हम एक हेड को चुन सकते हैं, वैसी 3C2 हेड, 2 टाइप से हम 2 हेड को चुन सकते हैं, ठीक है 2-2 वाला कितना हो जाएगा 3C2 और 3C1 मतलब आपका एक हेड वाला, ठीक है तो टोटल कितना हो जाएगा 3C1 मतलब अब देखो 3 का 1 बार विस्तार मतलब ऊपर में 3 आ जाएगा और 1 का 1 बार विस्तार मतलब 1 ही रहेगा, प्लस 3 का देखो 3C2 मतलब 3 का 2 बार विस्तार मतलब 3 × 2, ठीक है 3 का 2 बार विस्तार 1 और 2, उसके बाद आप नीचे वाला क्या करते पूरा विस्तार मतलब 2 × 1, तो देखो 2 से 2 कट गया यहाँ पे तो कितना हो गया 3 × 3 6 हो गया, ठीक है तो 6 हमारा क्या आ गया DP आ गया, ठीक है डिजायर पॉसिबिलिटी, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 8, ये हमारा टोटल पॉसिबिलिटी है, ठीक है तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, P बराबर क्या हो जाएगा DP/TP करते हैं, तो DP कितना है 6 और TP कितना है आपका 8, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 6 2 × 4 8, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ये ऐसे, ठीक है जिसको अच्छे से आता है ये ऐसे बनाएंगे और जिसको प्रॉब्लम होगी बनाने में वो चित्र बना के बना लेंगे, ठीक है। तो देखो चित्र मेथड से बता देता हूँ मैं इसको, तो देखो चित्र मेथड कैसे बनेगा, ये 8 टाइप का जो है वह कैसे बन सकता है, ये 8 टाइप का जो है वो कैसे बन सकता है, देखो कैसे बनेगा, तो देखो एच एच एच, ठीक है तीनों जगह पे एच एच आ सकता है या तो तीनों जगह पे टी टी आ सकता है, ठीक हैड हेड आ सकता है या तीनों जगह पे टेल टेल आ सकता है, यहाँ पे तीन देखो ऐसे हो सकता है हेड हेड टेल हो सकता है, ठीक है हेड टेल हेड हो सकता है या फिर टेल हेड हेड हो सकता है या फिर हेड टेल टेल हो सकता है या फिर टेल हेड टेल हो सकता है या फिर TTH ये हो सकता है, ठीक है ये 8 टाइप से हो गया, गिन लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइप से हो गया। तो आपको बोल रहा है एक सिर से या दो सिर से मतलब एक हेड या दो हेड, तो यहाँ पे देखो ये 3 वाला तो नहीं हो सकता, ठीक है 3 वाला नहीं हो चाहिए, एक या दो चाहिए ये भी नहीं हो सकता है, ट्रिपल टी ठीक है यहाँ भी 3 3, तो देखो यहाँ पे हेड यहाँ पे देखो 2 बार है इसको ले लेंगे, 2 हेड है देखो यहाँ पे भी 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, ठीक है यहाँ पे भी 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, इतने सारे आ जाए तो डीपी कितना हो जाएगा, देखो 6 टू राइट पड़ा है, देखो 6 टू राइट है ये 6 टू राइट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डीपी, और टोटल पॉसिबिलिटी कितना 8, तो 6/8 करेंगे यहाँ पे, 6/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, ऐसे भी 3/4 आ रहा है, तो देखो आंसर तो डी होना ही है, ठीक है ऐसे भी जा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और सिक्का वाला जो भी है खत्म हो गया,
और सिक्का से मेरे को नहीं लगता कि और इससे ज़्यादा कठिन पूछेगा, जनरल कॉम्पिटिशन में ज़्यादा कठिन आता भी नहीं है, ठीक है। और मैं सिक्के की टाइप में ही इतना अच्छा अच्छा करा दिया हूँ, और भी तो टाइप है पूछने के लिए, ठीक है। पासे वाला पूछ सकता है आपका, ताश के पत्ते वाला पूछ सकता है, तो वो सबको मैं अलग वीडियो में कवर करूंगा। तो आज के लिए इतने करते हैं, थैंक यू। और वीडियो को पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप है और नीचे फेसबुक का भी ग्रुप है, उसमें आप जुड़िए जिससे आपको अपडेट मिलते रहे, ठीक है।